हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी हैज सरप्राइज एवरीवन इंक्लूडिंग यूएस रशिया चाइना। मोदी जी वजह हमें भी दुनिया को सरप्राइज तो देते ही रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि अब ये देखेंगे वीडियो, अब इसमें पता लगेगा इस बार इन्होंने क्या सरप्राइज ऐसा कर दिया है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। साल 2021 की सबसे लेटेस्ट दुनिया भर के टॉप 13 वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट आ गई है, जिनमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और कई सारे लीडर्स शामिल हैं, जिनको पोल में आई वोटिंग में उनकी अप्रूवल रेटिंग के आधार पर रैंक किया गया है। ये सर्वे इसलिए भी काफी डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली जो अफगानिस्तान में जो बाइडेन ने ब्लंडर किया है, और साथ साथ दुनिया भर में कोविड-19 से लड़ाई में सरकारों की परफॉर्मेंस रही है, वो सब इसी रिजल्ट्स में सामने आया। अच्छा। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की रैंकिंग ने एक बार फिर से सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सर्वे किया है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड एजेंसी ने, जिसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी, और आज इस कंपनी में 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कंपनी अपने सर्वेस और पोल्स ऑनलाइन करती है, और डेली ये 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल्स, ब्रांड्स, इन सबको डेली ट्रैक करते हैं ऑनलाइन। इनके बारे में 15 से ज्यादा देशों में लगातार सर्वे करते हैं। कहने का मतलब है कि मॉर्निंग कंसल्ट के इस पोल के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। अच्छा। पोल मतलब के नीचे मॉर्निंग कंसल्ट ने खुद ही मेंशन किया कि ये सर्वे ऑनलाइन किया गया था और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 1-3% के बीच में हो सकता है। साथ में एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि मॉर्निंग पोस्ट ने रिजल्ट्स के नीचे ये भी मेंशन किया है कि इंडिया में सर्वे लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोगों पर किया गया था। आई डोंट नो कि मॉर्निंग कंसल्ट ने यहाँ पर ऐसा क्यों मेंशन किया है, लेकिन खैर बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर। सबसे लास्ट नंबर 13 पर है जापान के पीएम योशीहिदे सुगा। अच्छा। जिनको मात्र 25% लोगों ने अप्रूव किया है। हालांकि जापान में इनकी अप्रूवल रेटिंग शुरू से ही कम थी, लेकिन कोविड-19 से इनकी इमेज और भी ज्यादा बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। 12वें नंबर पर 34% की अप्रूवल रेटिंग के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगले साल अप्रैल के महीने में फ्रांस में इलेक्शंस होने हैं, और अगर यही हाल रहा तो वो शायद फ्रांस के प्रेसिडेंट के रूप में वापस नहीं आए। 11वें नंबर पर 35% की अप्रूवल रेटिंग के साथ स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज है। 10th पोजीशन पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 38%। 9th रैंक मिला है ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो को, जिनकी अप्रूवल रेटिंग सरप्राइजिंगली 39% है। सरप्राइजिंगली मैंने क्यों कहा, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड-19 की मिसमैनेजमेंट के कारण ब्राजील में आम जनता जैर बोल्सोनारो के खिलाफ रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, उसको देखकर लग रहा था कि उनकी अप्रूवल रेटिंग जापान के पीएम योशीहिदे सुगा के बराबर 20-25% के करीब होगी। लेकिन 8वें नंबर पर हैं यूके के पीएम बोरिस जॉनसन। अच्छा। जिनको 100 में से 41 लोग अप्रूव करते हैं, यानी उनकी अप्रूवल रेटिंग 41% की है। 7th पोजीशन हासिल की है कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने, जिनको कनाडा के 45% लोग अप्रूव करते हैं। कनाडा में 10-15 दिन बाद 20 सितंबर को स्नैप इलेक्शन हो रहे हैं, मगर जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें जस्टिन ट्रूडो अपने ओपोनेंट से पीछे नजर आ रहे हैं। 6th नंबर पर स्कॉट मॉरिसन है, जिनको 48% की अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर उनको जहां एक तरफ घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के आगे ना झुकने के लिए कई सारे ऑस्ट्रेलियंस उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। यार करते हैं भाई, पसंद करते हैं ना। अफगानिस्तान में इतिहास में सबसे बड़ा ब्लंडर करने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनको इतना बड़ा ब्लंडर करने के बावजूद ऑनलाइन पोल में 48% लोगों ने अप्रूव किया। जी हाँ, 48% लोगों ने अप्रूव किया। जितना बड़ा कंट्री है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। वैसे अगर मेरी मानो तो जो बाइडेन को 25% की वर्ल्ड लीडर बनते हैं भाई ये लोग। खैर 4th पोजीशन पर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल है, जिनको मिली है 52% की अप्रूवल रेटिंग। 3rd नंबर पर है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, जो इसी साल फरवरी के महीने में पीएम बने थे। अच्छा। मारियो द्रागी की अप्रूवल रेटिंग 63% की है। बहुत जबरदस्त है कि पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी अभी भी कायम रखी है। 2nd नंबर पर है 64% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मेक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेस ओब्रादोर, जो साल 2018 में प्रेसिडेंट बने थे, और आज भी मेक्सिको में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि 64% की अप्रूवल रेटिंग वाकई में दर्शाता है कि मेक्सिको के लोग अभी भी उन पर विश्वास करते हैं। नंबर 1 पर और कोई नहीं बल्कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं,
जिनको मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 70% की रिकॉर्ड अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो दर्शाता है कि कोविड-19 के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लीडर बना डाला है इनको तो। 70% वाकई में बहुत ही बड़ा फिगर है, बड़ा। और दुनिया का और कोई लीडर उनके आसपास भी नहीं, जो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी बस भारत के नहीं बल्कि अब ग्लोबल लीडर है दुनिया के। वैसे आपकी जानकारी मीडिया ने भी ये बात बोली है, पाकिस्तान और रशिया नवाज शरीफ ने भी ये बात बोली, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, ऐसे में वहाँ पर सर्वे करने का क्या ही फायदा होगा। वैसे क्या आप इस रैंकिंग से खुश हैं या फिर आप इस रैंकिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं? जो बाइडेन की पोजीशन या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की पोजीशन, क्या आप इनकी रैंकिंग से बिल्कुल खुश हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं तो कहता हूं इसी में डाउन होना चाहिए, हम खुश हैं मोदी जी से तो हम खुश हैं ना, लेकिन ये है कि वो अमेरिका का पूछ रहे हैं कि भाई अमेरिकन का क्या हिसाब किताब है। भाई अमेरिका तो वैसे सुपर पावर बनता है, लेकिन सुपर पावर बनते हुए इनकी ये हालत है कि भाई इनका पीएम को टॉप पे आना चाहिए तो वो आ रहे पांचवे छठे नंबर पे। ऐसे अच्छा तो और कंट्री थे भाई, और बकाया पाकिस्तान के एक्स पीएम नवाज शरीफ साहब ने भी यही बोला था कि मोदी जी बेस्ट लीडर है। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया के उन्होंने कहा था कि बेस्ट लीडर वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं है। और बकाया जो उन्होंने कोरोना की वजह से अपने मुल्क में असलाहत किए हैं ना, इसी की वजह से वो आज 70% पे बिल्कुल। और बाबा मेक इन इंडिया जैसे और भी चीजें इन्होंने की है, जिसकी वजह से पूरा इंडिया इनको दीवानों की तरह चाहता है। और अमेरिका भी देख लें भाई, अमेरिका के अंदर जो बाइडन है वो देखो वो पांचवे छठे पे है, इस वजह से है कि भाई उसको लोग उस तरह का चाह नहीं रहा, उसने उस तरह का काम नहीं किया, और उसको वर्ल्ड लीडर बनाने की जगह पीएम मोदी को लोगों ने बोल डाला कि वो वर्ल्ड लीडर बने। ये देखो ना तेरा ममालिक यूरोपियन कंट्री वो टॉप पे नहीं आए और पीएम मोदी पहले पे आए हैं भाई, ये तो शर्म का मुकाम है उनके लिए। इसी वजह है कि उन्होंने अपने मुल्क में ऐसी असलाहत की है कि बंदा कुछ कह नहीं सकता, कोरोना की वजह से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया भाई। बिल्कुल भाई, उन्होंने कंट्रोल का अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता ना वो हार मान जाता भाई, और दुनिया में जिस तरह मुल्क थे उन्होंने हार मान ली। कोरोना की वजह से उन्होंने कितने गरीब मुल्कों की मदद की, दवाइयां अदवियात मुफ्त पहुंचाई, हर चीज मुफ्त दी है, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बाबा वो भी एक नहीं और मदद की है, लेकिन इंडियन के लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेबल किया है। और फिर वो आज उनको चाहते हैं, जो उन्होंने पोल में 70% उनको वोट दिया है, और भाई वो चीज पीएम मोदी को टॉप पे लेकर आ गए कि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वर्ल्ड लीडर है एक किस्म का। जितनी यूरोपियन कंट्री है ना 13, इन्होंने गरीबों की मदद नहीं की है कोरोना की कोरोना में, खास नहीं जितनी अद्वियात इन्होंने दी है ना कोरोना इन मुल्कों को गरीब। कोरोना के अलावा भी बाबा इंडिया करता है, सिर्फ कोरोना में नहीं करता, और कामों में भी भाई इंडिया हेल्प करता है। हर अभी अफगानिस्तान को भी देख लो कितनी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान, वो भी फ्री में अभी कितनी जो उधर काम कर रहे हैं इंडियन और लोग, उनकी तनख्वाहें भी रुकी हुई थी, इंडिया ने सारी अदा कर दी, अंदाजा लगा रहे हो देख लो भाई। और काम भाई ये बेस्ट लीडर नहीं है तो कौन सा लीडर बेस्ट, हर चीज को एक सही चाहे, लेकिन जीडीपी में बढ़ रहा है, इकोनॉमी इसकी वजह से बढ़ रही है, बकाया भाई इनका रिजर्व इसकी वजह से 20-20 बिलियन और 16-16 बिलियन डॉलर्स का हफ्ते के लिहाज से बढ़ रहा है, तो और क्या चाहिए यार आप लोगों को। हम लोग भी चाहते हैं वही ना, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसमें ऐसी खसूसियात हो, तो यार आप लोग 70% ना हो 100% इनको तो देना चाहिए। बिल्कुल बाबा डिजर्व करता है ये बंदा, बिल्कुल, लेकिन बस हेटर्स भी होते हैं ना बीच में, 100% पे ये आने चाहिए मोदी जी, बिल्कुल, लेकिन बाबा हेटर्स भी होते हैं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट्स इस बारे में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।